25 तारीख को ये वर्ड मेरे मुंह से परमेश्वर ने दिया कि जो बाकी का आपके ऊपर कर्ज है वो भी जल्द मेरी बहन क्या हो गया, अभी दिसंबर निकलेगा, जनवरी और फरवरी सिर्फ 2 ही महीने हुए, आज तो कितनी तारीख है, 5 तारीख है ना, आज तो 5 है, सिर्फ 2 ही महीने हुए ना अभी, बोलो क्या हुए, सिर्फ 2 ही महीने निकले और 2 महीने में इन्होंने 1 लाख रुपए का कर्जा उतार दिया है परमेश्वर के भवन के लिए। हाँ जी। अपने लोन लिया परमेश्वर के भवन के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और जब खुदा के लिए अपनी अपने स्पेशल सीड को भवन के लिए बोया, तो पहले आपकी क्या जॉब करते थे, किस चीज की? मैं थे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में। तो सुनो, परमेश्वर कब रास्ते खोलता है, ये नहीं है कि हम गरीब हैं, हमारी इनकम इतनी है, परमेश्वर आपके मन को देखता है। हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम रानी है और जे महलामाल गांव के रहने वाले हैं और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि 3 साल हो गया था कि इनका जो अपना घर था वो गिरवी था 1.5 लाख में, और जो इसका कारण ये था क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को विदेश भेजना था जिसके कारण इन्होंने अपना घर गिरवी 1.5 लाख में रख दिया। तो जे बता रहे कि उसका जो ब्याज भी 5,000 देते थे, पर जैसे ही जो इनके बच्चों का काम भी हो गया और पर लॉकडाउन के कारण इनका मन नहीं था उनको विदेश भेजने का, तो वो नहीं जा पाए। और पर जो इनका घर था वो गहने पर ही था 1.5 लाख में, और जिसके कारण जो बता रहे कि जो ब्याज भी नहीं दे पाए और जो काफ़ी परेशान थे क्योंकि इनका काफ़ी कर्ज हो गया था और जो इनका घर गिरवी था और जो इनके घर के रजिस्ट्री के कागज़ थे और वो भी उनके पास ही थे जिन्होंने इनका घर 1.5 लाख में इनको जो पैसे दिए थे, तो जिसके कारण जी काफ़ी परेशान हो चुके थे। और जैसे जी सिस्टर इस मिनिस्ट्री में आ रहे थे और जो बता रहे कि जे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर जो हमारा घर गिरवी है 1.5 लाख में, तो परमेश्वर आप हमें अपने घर के साथ ब्लेस कर चुके हो। तो जे बता रहे कि जैसे जी विश्वास में बने रहे, तो जैसे हम सब जानते कि पिछले दिनों में परमेश्वर के दास के द्वारा सबको मैसेज दिया गया था कि जो इस भवन के लिए अपने स्पेशल शीट के लिए, तो जैसे जो सिस्टर ने लोन लेकर परमेश्वर के भवन के लिए अपना स्पेशल शीट दिया, तो परमेश्वर ने इनके रास्ते को खोला। तो परमेश्वर ने इनको इन्होंने फिर कुछ मंथ पहले इन्होंने इनके गांव में सेलर खुला था, तो वहां पर इन्होंने कंटीन ओपन की थी, क्योंकि जैसे इन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए अपने मन को खोला तो परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, तो इन्होंने कंटीन ओपन की। तो जो कंटीन से जो बता रहे कि जो इनका बचत होती थी जो उससे भी अपना जो दशमांश था बहुत ही फेथफुली से करते थे, तो परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तो जो 1.5 लाख था उससे इन्होंने 50,000 दे दिया था, तो अभी इनका 1 लाख रुपया अभी रहता था। तो इसके लिए भी जो विश्वास कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे कि परमेश्वर अब हमें इससे भी फ्री कर चुके हो। और जैसे जो सिस्टर 25 दिसंबर की मीटिंग में आए थे, तो प्रभु के दास के द्वारा इनको ब्लेसिंग वर्ड्स मिला था कि जो बाकी के पैसे जो अपने दे दिए, तो परमेश्वर इस बोझ से भी आपको आज फ्री करेंगे और अपने घर से ब्लेस करेंगे। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। है तो आधार पैन कार्ड में प्रॉब्लम आ गई, परमेश्वर ने वो रास्ता खोला। हाँ, पैसे मिले उससे परमेश्वर ने सबसे पहले उन पैसों से खुदा का आदर किया। और जो बाकी बचे थे 30,000 का, 60,000 ये दो थे कि एक ही था, दो 30,000 के दो थे। ठीक है, लोन जेड़ा ही मैं भई थे पवन से देके गई। ओह देखो, पहला जो लोन लिया था, लोन के पैसे भई खुदा के लिए, लोन के लोन लेकर पैसे भवन के लिए दिए। और जो बाकी फिर और हुआ उसका 50 दे दिया, कुछ पैसे बचे उसके कंटेन ओपन की। जब खुदा के लिए किया तो खुदा ने रास्ता खोला। पहले भी ये सालों से अपनी जॉब करते थे, 8,000 रुपया करते थे, पर जो खुदा के लिए कर्म करके परमेश्वर ने रास्ता खोला, इस कंटीन को ओपन किया। अब बता रहे हैं अपने मुंह से सुना कि उस कंटीन से ये कितनी किस्तें देते हैं, कितनी आशीष परमेश्वर दे रहा है। और
पहले कुछ भी नहीं बचता था, सारा पैसा 8,000 उस किस्त में उस किस्त में, अब 35,000 इकट्ठा कर लिया है। अब जल्द वो जो बाकी है, बाकी पैसे कहां, लाख 35,000 लाख, लाख में 35 कम हो गया तो कितना रह गया, पैड। खुदावंद मेरी बहन वो जल्द परमेश्वर उसका भी इंतजाम कर चुका, और इससे पूरी तरह तुझे पूरी तरह से तेरे इस बोझ को हल्का कर चुका है, क्योंकि जो खुदावंद के लिए अपने मन को खोलते हैं वो कभी भी सेम नहीं रहते। मैंने कहा वो सेम नहीं रहते। तारीफ करो जोर से, ना आस रखा दुनिया ते। तो जी बता रहे कि जब इनको जो ब्लेसिंग वर्ड मिला तो जी धन्यवाद करते रहे, विश्वास में बने रहे। तो आज से 2 हफ्ते पहले इन्होंने 1,00,000 रुपया भी इनको दे दिया है। जो बता रहे कि अगर जो पैसे ना देते तो जो इनका घर था इनके पास नहीं था जोना, और जो बता रहे कि आज परमेश्वर ने इनको आज अपने घर के साथ ब्लेस किया है। जो घर के रजिस्ट्री के कागज उनके पास थे, आज इनको परमेश्वर ने वो कागज दे दिए, और हम देखेंगे। एक रजिस्ट्री को, हाँ ठीक है, ओके। तो आज परमेश्वर ने इनको अपने घर के साथ ब्लेस कर दिया है, और जो बहुत ही खुशी की परमेश्वर ने आज इनको इस बोझ से, जो 3 साल का बोझ था, परमेश्वर ने आज इस बोझ से आज इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया जोर से अपने हाथों को उठाते हुए। सुनो सुनो सुनो, इनको माइक देना, माइक दो ने, माइक दो। जय मसीह की। कितने समय पहले ये अपने लोन लिया था? पापा जी आप कंटेन खोलने तो पहले लिया है? नहीं 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 नहीं, वो जो पैसे उठाए थे अपने बच्चों को भेजने के लिए, लॉकडाउन तो पहले दे, लॉकडाउन से मतलब ने भी कितने साल हो गए, कोरोना तो पहले दे, कितने कितना टाइम हो गया, 4 साल के करीब हो गया ना। तो कितने अपने पैसे की, जिनसे जिनके पास अपने जगह ये गिरवी रखी थी, कितने पैसे लिए, 1.5 लाख रुपया? 1.5 लाख रुपया लिया। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, और आपके बच्चे जो आप विदेश भेजना चाहते हो गए नहीं, उसके कारण, ठीक है। तो जो पैसे थे वो खर्च हो गए, तो कितने जो जिनसे अपने जगह ली थी गिरवी रखी थी गहने, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो वो टाइम लिमिट होगी, कितने टाइम थी वो? कितना टाइम है? एक साल की गारंटी सी। एक साल, अगर एक साल तक ये 1.5 लाख वापस नहीं करेंगे, हाँ जी, क्या नहीं करेंगे तो क्या होगा, लिखित होगी ना? हाँ जी, क्या हो जाएगी, लिखित होगी, क्योंकि जो गहने लेते हैं तो ऐसे एक लिखित हो जाती है, समझ आ रही है? पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 4 साल निकल गए ना ऐसे। हाँ जी, 4 साल निकल। तो आप व्याज दे रहे थे उसका? थोड़े के चेर देता है, जब लॉकडाउन लग गया फिर नहीं आपा देता, फिर वो भी नहीं दिया। हाँ जी, 5-4 महीने देता बस, फिर वो भी नहीं दिया। हाँ नहीं दिया। हाँ जी, तो ये सारे रजिस्ट्री के कागज ये सब कुछ उन्हीं के पास था? हाँ, उनके पास है। और जैसे ही अपने जब किया परमेश्वर के भवन के लिए, हाँ जी, अपने लोन लिया परमेश्वर के भवन के लिए, हाँ जी, हाँ जी। और जब खुदा के लिए अपनी अपने स्पेशल सीड को भवन के लिए बोया, तो पहले आपकी क्या जॉब करते थे, किस चीज की? मैं थे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में। तो सुनो, परमेश्वर कब रास्ते खोलता है, ये नहीं है कि हम गरीब हैं, हमारी इनकम इतनी है, परमेश्वर आपके मन को देखता है। बोलो क्या है? वो ये नहीं देखता तुम गरीब हो, हाँ तुम्हारे ऊपर कर्ज है, ये है। जब तुम खुदा के लिए अपने दिल को अपने मन को खोलते हो तो वो अपना स्वर्ग खोलता है। देखो, लोन लेकर खुदा के भवन के लिए ये स्पेशल 20 बोया है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस चीज के लिए आगे नहीं आए,
जिन्होंने लोन लिया, कईयों को हो सकता है कईयों के पास हो भी, पर फिर भी नहीं उन्होंने की। कारण किस चीज पर मन है? पर जब तक शरीर की चीज पर मन लगा रहेगा तब तक रास्ते उत्पन्न नहीं होंगे। जब तुम खुदा के वर्ड को, उसके वचन को पूरा करोगे तो खुदावंद स्वर्ग खोलेगा। वो तुम्हारा कुछ भी वो लेता नहीं है, तुम्हें देता है। बोलो क्या है? तुम्हारा लेता नहीं, वो देता है तुम्हें। सालों से अपना काम कर रहे थे और 4 साल हो गए, हाँ कर्ज था, पहले ब्याज दे रहे थे। वो तो भला है उस खुदावंद का कि जिस पर ये शांस करते हैं, कहीं संसार में होता तो वो कब के इनकी जगह पर कब्जा कर लेते। हाँ, जहां तो ब्याज ही पता नहीं कितना बना देते। समझ आ रही है? क्योंकि जो गहने की जो गिरवी लोग रखते हैं उसकी एक लिमिट होती है, मतलब उस टाइम की, जब तक अगर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर जब परमेश्वर के लिए इन्होंने मन खोला, अपने दिल को खोला, आज आपके सामने है। सालों से जॉब कर रही थी वो, उसमें कुछ भी नहीं बचता था, हाँ किस्तों में वो लोन में चला जाता था, पर जैसे ही खुदावंद के लिए किया, हाँ इनके यहाँ पे इनका गांव, वहां पे एक शैलर ओपन हुआ, तो परमेश्वर अपनी सुविच्छा पे डालता ना, इन्होंने कंटीन ओपन की। बोलो क्या की? अभी 25, अभी कितना ये कौन सा मार्च, हाँ 25 तारीख को ये वर्ड मेरे मुंह से परमेश्वर ने दिया कि जो बाकी का आपके ऊपर कर्ज है वो भी जल्द, मेरी बहन क्या हो गया, अभी दिसंबर निकलेगा, जनवरी और फरवरी सिर्फ 2 ही महीने हुए। आज तो कितनी तारीख है? 5 तारीख है ना, आज तो 5 है, सिर्फ 2 ही महीने हुए ना अभी। बोलो क्या हुए? सिर्फ 2 ही महीने निकले और 2 महीने में इन्होंने 1,00,000 रुपए का खर्चा उतार दिया, सिर्फ 2 महीने में। पापा जी उन्हें सानू 6 महीने का टाइम दिता है, जिदन 50,000 दिन गए तो परमेश्वर ने हानू पहले कर दिता। 2 महीने में क्या कर दिया? क्योंकि वो वर्ड कहां से दिया खुदा ने कि परमेश्वर जल्द मेरी बहन क्या कर चुका तेरा कर। अरे ये छोटी सी बात नहीं है, एक मेहनत करने वाला आदमी कहां पे, ये पहले 8,000 रुपया कमाते थे जिस हॉस्पिटल में जॉब करते थे, 8,000 रुपया, आज 2 महीनों में 1,00,000 का कर्जा उतार दिया है। अभी समझो तो आप हिसाब लगा लो कि खुदावंद किस रीति से इन्हें ब्लेस कर रहा है। बोलो क्या कर रहा है? अगर उस खुदा के लिए लोन लेकर भी अपने मन को, हृदय को खोला है। समझ आ रही है? 2 महीनों में अभी इनका जो अपना खुद का खर्च है वो अलग है, जो अपना खर्च करते होंगे उसी काम से तो अपना भी तो कुछ खर्च करते हैं ना। ये छोटी सी बात नहीं है, एक मेहनत करने वाला व्यक्ति इतनी जल्दी 2 महीने में 1,00,000 का कर्जा उतार दिया और उन्हीं पैसों में से, उन्हीं कंटीन से अपना घर का भी वो सिस्टम चला रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। हाँ पापा जी, मेरा एक डिमांड से रखी है गवाही परमेश्वर गाड़ी, वो मेरी पूरी होएगी, फिर मैं जिन्नियाँ चट्टियाँ चीड़े भरे हैं ना, मैं सारे गिन गिन के फिर रखने की, इन्ना मैं कर्ज लाया, इन्ना मैं दिता लोगों। अभी जो एडवांस रखी है गवाही पर, सुनो अभी तो जो वर्ड पूरी होएगी तो फिर मैं इतने देनी है। ओके सुनो, अभी परमेश्वर ने आपको एक वर्ड दिया था, पता, जब मैंने एक बार आपके विजिट की थी तो जब मैं आपके घर गया था तो आपका घर तो सारा क्या था, है ना, बनने वाला है, सारा बनने वाला है, सब कुछ कुछ मतलब ऐसे इनका पुराना घर है, समझे, बाले बुल्ले वो डाले इन्होंने छत पर, समझ आ रही है? तो मैंने इन्हें वर्ड दिया था कि ये भी परमेश्वर क्या कर चुका है, आप सुनोगे जल्दी। बोलो क्या है? जल्द आप ये भी सुनोगे कि जब परमेश्वर के लिए कोई हृदय खोलता है, मन खोलता है, तो खुदावंद उसके लिए स्वर्ग खोलता है। बोलो क्या खोलता है? उसके लिए स्वर्ग खोलता है। तो सुनो ये चीज, अगर सबको समझ आ गई, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी का लेकर रखता नहीं है, ये बात याद रखना। पर कई कई बार हमारा मन हमें दोष देगा, नहीं तेरा तो अपना नहीं सरता, हाँ अगर तूने लोन ले लिया तो कहां से देगी, कहां से उठाएगा, ऐसे मन में बातें आती। जब सच्ची मन से ऐसे करता हूं तो खुदा मन स्वर्ग खोलता है। तारीफ कर दो, ये एक गरीब व्यक्ति के लिए, एक मेहनत करने वाले की ये बहुत बड़ी गवाही है।
जोर से जोर से आत्मा च भर के भी मंगते ने जो आत्मा च भर के भी मंगते ने जो करदा मुहैया खुदा बंद है ओ करदा मुहैया खुदा बंद है जो करदा हुक्म मेरा यसु नासरी जो करदा हुक्म मेरा यसु नासरी उसे घड़ी उसे वेले जाता है हो उसे घड़ी उसे वेले जाता है हो उसे घड़ी उसे वेले जाता है हो सुनो आमीन सुनो जितने लोगों ने अपने उन दिनों में जब ये अनाउंस किया था भवन के लिए जितने लोगों ने भी ये कर्म किया है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता पहले तू अपना विश्वास अपने कर्म से दिखा फिर मैं अपना विश्वास तुझे अपने कर्म से दिखाऊंगा वो सबको दिखाएगा डोंट वरी जितने लोग भी इस काम के लिए आगे आए ना वो सब अपनी ब्लेसिंग की गवाही देंगे मैंने कहा जितने लोग इस काम के लिए आगे आए थे जिन्होंने इस भवन के लिए अपने हृदय को खोला था वो सब आएंगे हमने सोचा था कि अगर सब आते तो हमारे लिए आसान होता पर इतने लोग आए नहीं सब नहीं आए बोलो क्या देखो एक गरीब व्यक्ति भी अगर कोई कुछ अगर प्रॉब्लम आ गई हॉस्पिटल में जाएगा तो आपको पता आजकल उसके भी कितने खर्च होंगे और ये नहीं कहेगा हम गरीब हैं जी हमसे इलाज नहीं होगा वो कहीं से भी उठाकर करे समझ आ रही है पर जब परमेश्वर के लिए तुम करते हो तो तुम्हें दुगना देता हो क्या देता है बोलो दुगना देता है दुगना तो डोंट वरी परमेश्वर जिन लोगों ने भी ये कर्म किया है बोलो क्या किया है उन्हें वो स्वर्ग से आशीष दे चुका है ओके तो परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको बड़ा ऊंचा करेगा क्योंकि आपका सच्चा मन है ना तो सच्चे लोगों को बहुत परमेश्वर जो खुदा के लिए दिल रखते हैं ना मन उन्हें बड़ा ब्लेस करता है आमीन